गाइस, अगर आपका भी स्मार्टफोन बहुत दिनों यूज़ करने के बाद स्लो हो गया है या फिर आपका स्मार्टफोन ओल्ड हो गया है जिसके वजह से अभी आपको स्मार्टफोन में स्लो प्रॉब्लम लैग प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, सो यस, आप लोग आज के वीडियो को अगर एंड तक देखोगे ना गाइस, तो आज के वीडियो में जितने सारे ट्रिक्स और सेटिंग एंड्रॉयड के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उन सारे ट्रिक और सेटिंग को अप्लाई करके आप लोग अपने स्मार्टफोन के स्पीड को टोटली बूस्ट अप कर पाओगे। यानी कि अगर आप लोग का स्मार्टफोन का रिफ्रेश रेट बहुत कम है तो उसको आप लोग 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट में जो मज़ा मिलता है उतने तक का मज़ा और स्मूथनेस आप उठा सकते हो। सो यस, वीडियो को एंड तक देखना गाइस। सबसे पहले स्मार्टफोन के सेटिंग के लिए आपको ओपन करना आपके स्मार्टफोन का सेटिंग ऑप्शन। वहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में देखने को मिलेगा रियलमी लैब, अगर आपका रियलमी का फ़ोन है, या फिर आपको एमआई यूआई अदर फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा लैब। तो Realme Lab में जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक नया फीचर वहाँ देखने को मिलेगा, स्मूथ स्क्रोलिंग। इस पर जाकर सिंपली इसको इनेबल कर देना है। इसको जैसे ही आप इनेबल कर दोगे तो इसको इनेबल करने के बाद आप फील कर पाओगे कि भाई आपका स्मार्टफोन पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, यानी कि आपका स्क्रीन का जो चलने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा इस सेटिंग को कर लेने के बाद। तो जाओ इस सेटिंग को कर लो। हमेशा की तरह सेकंड ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करवा देता हूँ कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। गाइस, सेकेंड जो ट्रिक है वो पहले वाला ट्रिक अगर आपके स्मार्टफोन में नहीं है, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में रियलमी लैब या फिर एमआई यूआई लैब स्मूथ स्क्रोलिंग का ऑप्शन नहीं है तो सेकेंड ट्रिक आपको अप्लाई करना है आपके स्मार्टफोन में। उसके लिए आपको आपके स्मार्टफोन में एक थर्ड पार्टी लाइट वेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जो कि आपको प्ले स्टोर में इजिली मिल जाएगा। ऐप का नाम क्या है और ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है? अरे कहना क्या चाहते हो, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो डोंट वरी, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो। ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे ना गाइस, तो आपको वहां पर एक स्टार्ट बटन मिलेगा जिस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ज़्यादा कोई भी सेटिंग नहीं करना है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर को टोटली बूस्ट अप कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग का ये कंटिन्यू हो जाएगा तो आप लोग अपने स्मार्टफोन को चलाओगे तो पहले के मुताबिक आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री हो जाएगा। तो जाकर आप लोग ट्राई कर सकते हो और ऐप को लेकर बिल्कुल भी तो वेट करो, एप्लीकेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। गाइस, कभी कभी ना हम लोग का स्मार्टफोन इस वजह से लैग होता है कि हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है, तो उन सारे चीज़ को आप लोग देख भी नहीं सकते हो कि आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। वो नहीं कि बैकग्राउंड ऐप्स, वो तो आप क्लियर कर दोगे, बट कभी कभी कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में एक्टिविटी होता है जो कि आपको भी नहीं दिखाई देगा और मुझे भी नहीं दिखाई देगा। तो उन सारे एक्टिविटीज़ को ऑफ़ करने के लिए आप लोगों को जाना आपके स्मार्टफोन के सेटिंग ऑप्शन में। वहाँ पर अबाउट फोन में जाकर बिल्ड वर्जन या फिर कर्नल वर्जन पे क्लिक करना है 7 times आपके फिंगर से। फिर आपका डेवलपर ऑप्शन आपको आपके एडिशनल सेटिंग में देखने को मिलेगा, और अगर एडिशनल सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा बहुत खोज लेना, नहीं तो आप सेटिंग में जाके सर्च कर लेना डेवलपर ऑप्शन। अदरवाइज डेवलपर ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे तो आपको वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट बोलकर एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करोगे गाइस तो आपको वहाँ पर बैकग्राउंड जो कि स्टैंडर्ड मोड पे रहेगा प्रोसेस लिमिट, जिसको आप लोग ऑफ़ कर सकते हो या फिर 2-3 पे रख सकते हो, जो भी आपको सही लगे, बस उसको स्टैंडर्ड पे मत रखना। इस सेटिंग को करने के बाद आप लोग के बैकग्राउंड में एक्टिविटी जो कि आपको बिना बताए कोई एक्टिविटी नहीं होगा तो आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा, लैग फ्री रहेगा। तो गाइस, इन सारे ट्रिक को डेली लाइफ में यूज़ करने के बाद आप लोग अपने स्मार्टफोन को लैग फ्री कर पाओगे, स्मूथली कर पाओगे और अपने स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को बहुत हद तक इंक्रीज कर पाओगे। तो जाओ इन सारे ट्रिक को आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करो। बाय द वे, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो वाला एप्लीकेशन जो कि आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में, यस ओपन करो। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बोलकर लिखा हुआ रहेगा। इंपॉर्टेंट के बगल में जो लिंक रहेगा उसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्टली चले जाओगे प्ले स्टोर में। वहाँ पर जाकर आप उस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर को बूस्ट करके अपने स्मार्टफोन के स्पीड को बूस्ट अप कर पाओगे। तो यही रहा गाइस वीडियो, अगर वीडियो यूजफुल रहा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना द सचिन टेक, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है अगर आप लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हो।